कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। भुंतर पुलिस थाना के तहत बजौरा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक पर्यटक मुंबई निवासी 27 वर्षीय दुर्वेश के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस टीम ने बजौरा में नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस शक के आधार पर तलाशी ली। उस व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। डीएसपी कुल्लू प्रियंका गुप्ता ने बताया कि बजौरा में नाकाबंदी के दौरान वॉल्वो बस में चेकिंग के लिए बस रोकी गई थी और उसके बाद एक युवक के बैग में 1 किलोग्राम चरस बरामद की, जिसकी पहचान 27 वर्षीय दुर्वेश पुत्र रामकृष्ण दुकल निवासी मुंबई के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीबीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। चरस तस्कर को आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड में चरस कहां से खरीदी थी और कहां जाकर बेचनी थी इसकी तफ्तीश करेगी और इस मामले में कोर्ट में चालान पेश करेगी। कल रात को भुंतर पुलिस ने अपना रेगुलर नाका लगाया हुआ था। ये बजौरा चेक पोस्ट पे नाका लगा था और बजौरा चेक पोस्ट पे एक प्राइवेट वॉल्वो को रोका गया और उसकी जब तलाशी के लिए उस वहाँ ऊपर चढ़े तो एक लड़का था, वो उसका नाम दुर्गेश है और वो मुंबई का रहने वाला है। उसको काफ़ी हड़बड़ाया, उसने एक बैग पकड़ के रखा हुआ था। तो जब उस बैग की तलाशी ली तो 1 किलो 300 ग्राम चरस उससे बरामद हुई है। इस बारे में जो केस है वो भुंतर थाने में रजिस्टर हुआ है, जिसके लिए अब आगे आगामी कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि ये चरस कहाँ से लाई जा रही थी। हाँ, किस तरह से देखते हैं सर कि जिस तरह से मनाली से स्टार्ट हुई थी और ये दिल्ली जा रही थी, तो ये लड़का जो है वो मुंबई का था, तो इसने बस दिल्ली तक के लिए ली थी और ये आगे